पाकिस्तानी जेल में भारतीय नागरिक के कैद होने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। ऐसा ही मामला बिहारीगंज के तारारीह के रमेश मेहता का है, जो 18 साल से पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद है। रमेश मेहता राजस्थान के धरसाना में मजदूरी करते थे। बदकिस्मती से रमेश 1999 में भटकते हुए बॉर्डर पार कर पाकिस्तान चला गया। तब से रमेश के परिजनों को उनका कोई अता पता नहीं था। सर, हमारा मौसी का लड़का रमेश मेहता 1999 में जो है रोजी रोटी के तलाश में जो है कि राजस्थान गया था, और राजस्थान धरसाना नामक गांव में वह किसी भी यहाँ नौकरी रह गया खेती बाड़ी के काम में, और काम काज के दौरान जो है पाक सीमा पार कर गया था। लाहौर जेल में बंद रमेश मेहता के बारे में उनके परिजनों को जुलाई 2014 में तब पता चला जब एक दैनिक अखबार में होम मिनिस्ट्री ने फोटो सहित विज्ञापन निकाला जिसमें रमेश मेहता की भी तस्वीर थी। तब से लेकर रमेश के परिजनों ने पप्पू यादव, शहनवाज हुसैन और सांसद संतोष कुशवाहा से रमेश को भारत लाने की गुहार लगाई, लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला। खोजबीन के दौरान कुछ नहीं पता चला। 2014 में जो है कि गृह विशेष विभाग द्वारा विज्ञापन में दिया था इनका फोटो और सारा एड्रेस कि रमेश मेहता नामक एक व्यक्ति पाकिस्तान के लाहौर जेल में अंदर कैदी के रूप में है, तो हम लोग जो है कि सर इसके पीछे लग गए, सारा पेपर सारा डिटेल्स निकलवाए। उसके बाद जहाँ भी कोई नेता आता था उससे जाकर मिलते थे, लेकिन आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ। अपना गृह विशेष विभाग भी डायरेक्ट दो दो बार गए, शहनवाज हुसैन से भागलपुर में मिले, उस वहाँ जिसे 10वीं बार मिल चुके अपने पूर्णिया जिला के सांसद, उसके बाद मधेपुरा सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव से 18 तारीख को यहीं कोर्ट कैंपस में मिले थे। वहीं अशोक मेहता ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से रमेश को लाहौर जेल से भारत वापस लाने की गुहार लगाई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से हम यही गुहार लगाते हैं कि हमारा भाई जो है रमेश मेहता पाकिस्तान के लाहौर जेल में, उसे जो है कि यथाशीघ्र लाने की कृपा की जाए। भारत के कई कैदी हैं जो सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। रमेश मेहता भी इन्हीं बदकिस्मतों में से एक हैं। अब सुषमा दीदी का दिल इतना बड़ा है कि वो पाकिस्तान के लोगों की मदद के लिए भी खुलकर आगे आ जाती हैं। ऐसे में रमेश मेहता जो एक गरीब भारतीय नागरिक हैं, उसकी गुहार तो सुषमा स्वराज को जरूर सुननी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।